तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे यूपी की बलिया से, बड़ी खबर जहां पर विधायक सुरेंद्र सिंह ने SC ST एक्ट पर विवादित बयान दिया। SC ST एक्ट की वजह से ही जातिवाद जिंदा है और अगर ये एक्ट हटा दिया जाए तो जातिवाद और छुआछूत खत्म हो सकता है। देश में हमेशा एक कानून, एक नियम, एक संविधान, जब इंसान एक है तो इंसान और संविधान, संविधान हमेशा इंसान के सापेक्ष होना चाहिए, जाति धर्म और मजहब के सापेक्ष नहीं होना चाहिए। इंसान के सापेक्ष जो है हमेशा संविधान होना चाहिए। हाँ, उसको सत्य से लागू करना प्रशासन का धर्म होता है, प्रशासन लागू करे, लेकिन संविधान तो इंसान मानकर करना चाहिए। अभी तो अभी एक क्षेत्र थोड़ी ना, तमाम क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भी विकृति है, विकृति है, उस विकृति को बिल्कुल दूर किया जाना चाहिए। जब इस समय अभी भी अभी आप देखे होंगे केवल हरिजन एक्ट के चलते जातिवाद जीवित है। हरिजन एक्ट समाप्त हो जाए तो छुआछूत व्यवहारिक पक्ष, छुआछूत का कुछ भी नहीं, छुआछूत का लगभग व्यवहारिक पक्ष समाप्त हो चुका है, लेकिन हरिजन एक्ट और हरिजन आरक्षण ये सब जो है जातिवाद को और जीवंत बनाए। शिव प्रताप मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ सीधा रुख करेंगे। शिव प्रताप, बीजेपी MLA हैं ये और बड़े दिनों के बाद अब ये मुद्दा उठा है आरक्षण का, सीधे तौर पर समझे तो ये मांग कर रहे हैं आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, ये बलिया के बैरिया विधानसभा सीट से ये विधायक हैं सुरेंद्र सिंह हैं, ये पहली बार विवादित बयान नहीं दिया, इनकी आदत है विवादों में रहना और ये सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई बार ऐसे विवादित बोल किए हैं, देश में अन्य जातियों को ना रहने की भी सलाह दे चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान का रूप बता चुके हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे विवादित बोल विधायक जी की तरफ से दिए जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई आखिरकार विधायक जी की जमान पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है, क्योंकि वो इस तरीके के कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई देता है और इससे नफरत भी फैलती है समाज में। लिहाजा उत्तर प्रदेश की भाजपा इकाई को निश्चित तौर पर इनसे इनसे जवाब तलब करना चाहिए, जिस तरीके से उन्नाव के विधायक से जवाब तलब किया गया, बाकी अन्य विधायकों से जवाब तलब किया जाता है, लेकिन सुरेंद्र सिंह से एक बार भी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कोई ऐसा पत्र व्यवहार नहीं हुआ, ना ही उनको कार्यालय पर बुला करके इस तरीके की बात की गई, क्योंकि उन्होंने एक नहीं दर्जनों विवादित बोल किए हैं, लेकिन उन पर इस तरीके की ना तो कोई कार्रवाई होते हुए दिखाई देती है, ना ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कोई ऐसा तंज कसा जाता या उन पर कोई कार्रवाई होने की बात कही जाती। तो इसलिए कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर संगठन के तौर पर देखा जाए तो इन पर लगाम लगाने में भी लापरवाह दिखाई देती है। जी बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रताप इस जानकारी के लिए। तो ऐसे में बड़ी बात, बड़ा सवाल यही उठता है कि बीजेपी MLA का विवादित बयान आरक्षण को लेकर, तो फिर क्यों उनसे सवाल जवाब नहीं किए जा रहे हैं। बहरहाल